सभी व्यूअर्स का वेलकम है YD के एडिटोरियल क्लास में। हर रोज़ होने वाली ये क्लास है जिसमें मेरी कोशिश होती है क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करवाऊँ, खासकर उन लोगों को जो कोचिंग सेंटर्स तक पहुँच नहीं पा रहे हैं या जिनके शहरों के अंदर क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल नहीं है। 6 to 8 hours की लर्निंग को मैं पैक करने की कोशिश करता हूँ हाफ एन आवर में। आप मेरे साथ देखेंगे ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों को एक साथ लेकर के इस क्लास में आज हम चलेंगे। फटाफट से शुरू करें। वी आर गोना टेक अप द सेकंड एडिटोरियल ऑफ द मॉर्निंग, कास्टिंग आउट स्टिग्मा, द टाइटल ऑफ विच इज। अभी इस एडिटोरियल के अंदर मैंने एक छोटा सा सेशन रखा है कुछ मिनट्स का, जिसमें उन लोगों को गाइडेंस देने के लिए जो मुझसे ये पूछते हैं सर एडिटोरियल के बाद में क्या करें इंग्लिश को सीखने के लिए, इस वीडियो के अलावा हमें क्या करना चाहिए, कैसे अपने इंग्लिश को अप्रोच करना है। एक छोटा सेशन है, अभी हम देखेंगे, अब वो बताऊंगा मैं। चलिए, कास्ट आउट करना है स्टिग्मा को। अब ये स्टिग्मा क्या होती है जी, अभी बताया था 2 दिन पहले वोकैबुलरी वीडियो में आपको, स्टिग्मा का मतलब होता है शर्म। और कैसी शर्म? इस चीज़ की शर्म जो आपको नहीं आनी चाहिए, ऐसी शर्म जिसका आने का आपको कोई मतलब नहीं है, आउट ऑफ द क्वेश्चन है, पर उसके बाद भी आपको आती है ना, सामाजिक शर्म बोल सकते हैं आप, है ना, स्टिग्मा। और कास्ट आउट करने का मतलब क्या है? कास्ट मतलब फेंकना, आउट मतलब बाहर, किसी चीज़ को बाहर निकाल फेंको, किसी चीज़ से अपना पल्ला झाड़ लो या किसी चीज़ को ख़त्म कर दो। तो कह रहा है स्टिग्मा को करना है ख़त्म। ये सोशल शेम जो आ रही है कोविड के साथ में, लोगों को शर्म आती है कि हमें कोविड है, इस सोशल शेम को हमें करना है दूर, ठीक है। बड़े आगे यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ ले रहा हूँ। इस कॉन्सेप्ट पे इतने सवाल पूछे गए हैं कि मुझे इससे लिए बिना ना आगे नहीं बढ़ा जाएगा, तो मैंने इसको अलग से लिया है, 5 मिनट इस पर डेडिकेट करें। ये कास्ट वर्ब है, ये इसका काम मैंने आपको बता दिया, थ्रो करना होता है, फेंकना किसी चीज़ को। कास्ट आप एक नेट को करते हैं, मतलब मछुआरा जब मछली पकड़ने के लिए जाला फेंकता है ना समंदर में, तो वो करता है कास्ट नेट को। जब वो वाइड बड़ा कास्ट कर रहा है ना, कास्ट जो नेट को वाइड कर रहा है, मतलब बहुत दूरी तक बहुत लंबा जाला वो फेंक रहा है। यहाँ से एक idiom निकलती है कास्ट नेट वाइड से, कोई काम को इस तरीके से करना जिसके दायरे में बहुत सारी चीज़ें आ जाएँ, है ना, अपने दायरे को इंक्रीज़ करना, कास्ट द नेट वाइड idiom का मतलब होता है, समझ रहे हो। थ्रो से ही ये idiom निकली है, कास्ट द नेट वाइड, बड़ा सा जाला फेंकना, चाहे मछुआरा फेंके समंदर में, चाहे आप किसी चीज़ का दायरा बड़ा कर रहे हैं। कास्ट आप लाइट को करते हैं, जब किसी चीज़ पर लाइट फेंकते हैं, किसी इशू के ऊपर आप जो है रोशनी डालते हैं, तो आप लाइट कास्ट करते हैं। कास्ट डाउट भी कर सकता है, कोई इशू जो है डाउट्स को खड़ा कर रहा है, क्वेश्चंस को खड़ा कर रहा है, तो वो कास्ट कर रहा है डाउट्स या क्वेश्चंस को, वो फेंक रहा है आपके सामने क्वेश्चंस या डाउट्स को। कास्ट एक स्माइल भी करते हैं, किसी की तरफ छोटी सी स्माइल देना, कास्ट करना एक स्माइल को, या किसी की तरफ निगाह देना अपनी, हल्के से गेज देना, इसको भी कास्ट कहते हैं। और लास्ट में कास्ट एक स्पेल को भी करते हैं, स्पेल का मतलब होता है जादू। ये सब मीनिंग्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसके ऊपर नेट अपने ना पिछले 5, 7, 8, 10 सालों में बैंक सेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। अगर आपने ये मेरे साथ अगले 5 मिनट देखे तो आप जो सारे के सारे क्वेश्चंस खुद सॉल्व करोगे। देखो कैसे करना है। कास्ट की सबसे पहली खासियत ये है इस वर्ब की, इसके तीनों फॉर्म्स एक जैसी हैं, कास्ट कास्ट कास्ट। जो किताब में कास्टेड लिखा हो, ED लगाओ ना, उस किताब को आज ही कास्ट आउट कर देना अपने घर से, फेंक देना बाहर, ठीक है ना। कास्टेड नाम की कोई वर्ब नहीं होती इंग्लिश में, कास्ट ही होता है। अच्छा, कास्ट से दूसरे वर्ड क्या बनते हैं? ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट एंड टेलीकास्ट, तीनों का मतलब आप जानते हो। ब्रॉडकास्ट मतलब एक मैसेज को बड़े ब्रॉड एरिया के अंदर फेंकना, ब्रॉड मतलब बहुत बड़ा चौड़ा, और कास्ट मतलब फेंकना, एक एरिया को एक बड़े से एरिया में किसी मैसेज को फैलाना। फोरकास्ट मतलब पहले से ही आप जो है अपनी प्रिडिक्शन फेंकते हो, पहले से ही आप बता देते हो क्या होने वाला है आगे, कास्ट कर रहे हो फोर पहले से ही। टेलीकास्ट मतलब टेलीविज़न के जरिए, टेली टेक्नोलॉजी के जरिए आप जो है जो है सिग्नल्स को, जो इन्फॉर्मेशन को आगे भेजते हो, टेलीकास्ट, ठीक है। अब जो आपने कास्ट के साथ किया ना तीनों फॉर्म्स, वही तीनों फॉर्म्स इनकी भी वैसी की वैसी रहेंगी, इसलिए ब्रॉडकास्टेड नहीं होता, फोरकास्टेड नहीं होता, टेलीकास्टेड नहीं होता, समझ गए ना। तो कास्ट आउट का मतलब क्या है? निकाल फेंकना, टू गेट रिड ऑफ समथिंग। अब सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ना, इसी के ऊपर बेस्ड एग्जाम के अंदर जो पूछे हैं, मैंने उनको एक साथ निकाल करके रखा है। मैं कोशिश करूँगा हर रोज़ जो ग्रामर कॉन्सेप्ट मैं लूँ उसके ऊपर मैं जो सारे पुराने क्वेश्चन हैं ना उनको भी आपसे डिस्कस कर डालूँ। चलो, द रिले टीम ब्रॉडकास्टेड द मैसेज बट नोबडी टुक नोटिस। रिले टीम ने मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर दिया, लेकिन किसी ने भी टुक नोटिस नहीं किया, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। क्या लगा हुआ है यहाँ पे? V2। अभी बताया था सर आपने ब्रॉडकास्ट की, V2 तो ब्रॉडकास्ट ही होती है, तो ये क्या लगा दिया आपने सर, ब्रॉडकास्टेड, तो सही कर देते हैं इसको, यही एरर है इसके अंदर। ब्रॉडकास्टेड लिखा हुआ था, आपको दिया था उसने ब्रॉडकास्टेड लिख के, आपको सही करना था इसको ब्रॉडकास्ट। बड़े आगे, इंक्रीजिंग रेसिज्म एंड हेट क्राइम्स कास्टेड अ शेडो ओवर इलेक्शंस। बढ़ता हुआ रेसिज्म और ऐसे क्राइम्स जो हैं
उन्होंने कास्ट कर दी एक शेडो। अब देखिए शेडो को फेंक दिया, कास्ट और शेडो का मतलब क्या है, परछाई डालना। उन्होंने परछाई डाल दी इलेक्शन के ऊपर, पूरे इलेक्शन में उन्हीं की बात चलती रही, है ना। अब कास्टेड सर नहीं होता कास्टेड, तो कास्टेड से कास्टेड पीछे ईडी निकाल देता हूँ, बड़े आगे समझ रहे हो ना, ब्रॉडकास्ट और यहाँ पर मैंने कर दिया कास्ट। अगला क्या कहता है, द क्लाउड्स हैव ओवरकास्ट द स्काई, इसका पैसिव बनाने के लिए दिया गया था आपको, द क्लाउड्स हैव ओवरकास्ट द स्काई। मुझे पूरा भरोसा है आधे से ज़्यादा लड़कों ने ऐसा पैसिव बनाया, द स्काई हैज बीन ओवरकास्टेड बाय द क्लाउड, वही सेम मिस्टेक है, ओवरकास्टेड लिखा होगा, वही ऑप्शंस के अंदर तीन में दिया भी हुआ था ओवरकास्टेड, सिर्फ एक ऑप्शन में ओवरकास्ट था, वो आपका आंसर था, द स्काई हैज बीन ओवरकास्ट बाय द क्लाउड्स। ईडीएम आइए, कास्ट डायमंड्स फॉर पिग्स, इस ईडीएम का मतलब क्या होता है, सुअर के सामने डायमंड फेंकना। कास्ट डायमंड फॉर पिग्स का मतलब है आपसे मैं सुअर लूँ और बदले में आपको हीरा दे दूँ, समझ गया ना, किसी वर्थलेस चीज़ के ऊपर बहुत बड़ा खर्चा करना, किसी को बहुत ज़्यादा अटेंशन देना जहाँ से आपको टेंशन ना भी मिल रही हो, सुअर के सामने आप डायमंड जैसी चीज़ को जो ना फेंक करके मारते हो और कहते हो ये रख लो, समझ गए, ईडीएम है, किसी वर्थलेस चीज़ को आप बहुत महत्व देते हो, कास्ट डायमंड्स फॉर पिग्स। अगली आइए, तो डाई हैज़ बीन कास्ट, द डाई हैज़ बीन कास्ट, परसों मैंने ये आपको टेलीग्राम पे उस पर भी करवाई थी खबरी पे, इस ईडीएम का मतलब क्या होता है, ये डाई गलत स्पेलिंग है डाइस की, डाइस की, डाइस होता है पासा, वो पासे की डाई स्पेलिंग आ गई इंग्लिश के अंदर, इन्होंने सही नहीं किया आज तक, तो मतलब इसका क्या है, पासा फेंका जा चुका है, द डाइस हैज़ बिन कास्ट, पासा फेंका जा चुका है, ये एक ईडीएम है, जैसे देर इज़ नो प्लेस फॉर रिमोर्स नाउ द डाई हैज़ बिन कास्ट, पश्चाताप की अब कोई बात नहीं है, डाई को कास्ट किया जा चुका है, पासा फेंका जा चुका है। अब ये एडियम भी आपसे पूछेगी एग्जाम के अंदर, दस इफ़ द स्काई, अब देखो सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा, इफ़ द स्काई इज ओवरकास्ट आई टेक माय अम्ब्रेला विद मी, अगर स्काई ओवरकास्ट है तो मैं अपना अम्ब्रेला अपने साथ ले लेता हूँ, समझ गए, इसमें इंप्रूवमेंट भी उसने तीन क्वेश्चन आपको लगा के बताए, तीन ऑप्शन, वैन लगाया, अनलेस लगाया, वेदर लगाया, बात कर रहा है इस इफ की, कर रहा है इस इफ की जगह इन तीनों में से क्या लगा सकते हैं, सबसे अच्छा इसका बेहतरीन ऑप्शन है वैन, जब स्काई ओवरकास्ट है तब मैं अपना अम्ब्रेला साथ में ले लेता हूँ, जब जब स्काई के अंदर बादल होते हैं तब तब मैं अपना छाछा साथ में ले लेता हूँ, तो वैन द स्काई इज ओवरकास्ट इफ की जगह आप लगाओगे वैन। सिनोनिम ऑफ द वर्ड फोरकास्ट, इसके सिनोनिम आपसे चार तरह के पूछे गए आज तक, वो है प्रिडिक्ट, फोरटेल, फोरसी एंड प्रोग्नोसिस, ये प्रोग्नोसिस ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। अभी होता क्या है, देखो आपने सुना होगा वर्ड डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का मतलब क्या है, जब बीमारी हो गई उसकी आप जांच कर रहे हो और पता कर रहे हो बीमारी हुई या नहीं, है ना, जैसे किसी पेशेंट को आप लेके गए यार इसको जुकाम है चेक करो इसको कोविड है या नहीं, तो डायग्नोसिस। प्रोग्नोसिस क्या होता है, अभी तो उसको कोई बीमारी हुई नहीं, आपने पहले से ही पता करने की कोशिश की कि इसको बीमारी हो सकती है या नहीं हो सकती, पहले से कर रहे हो ना प्री लगा हुआ शुरू में, प्री डायग्नोसिस इज कॉल्ड प्रोग्नोसिस, इसीलिए इसको हम फोरकास्ट बोलते हैं, पहले से हम जो है किसी चीज़ के लिए प्रिडिक्ट कर रहे हैं प्रोग्नोसिस के लिए, इस वर्ड को ध्यान करें। लास्ट में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया देखा मैंने, द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया हैज़ टेकन डीप रूट्स इन द सोसाइटी, इस सेंटेंस को करना था एरर करेक्शन, इसमें क्या किया हुआ है, कास्ट सिस्टम की बात की हुई है इंडिया के, अगर इंडिया के कास्ट सिस्टम की बात कर रहे हो तो ये वाला कास्ट नहीं है, वो है CAST, जो आप कास्ट होती है ना आपकी, कोई बामण होता है कोई बनिया होता है, वो कास्ट होती है ना आपकी CAST ही होती है, वो CAST नहीं होती है ना, उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और CAST वाला कास्ट सिस्टम लिख दिया। अब देखो ये इतना सा वर्ड है, इस पर मेनली इसकी वर्ब्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन इसके हमने डिस्कस कर लिए हैं पिछले 5-10 साल में जो पूछे गए हैं, इसी तरह से आपको बढ़ना है इन डेप्थ लर्निंग के साथ, बढ़े आगे, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी पर कोशिश अपने करेंगे इस टाइम को अपने वर्थ वाइल करें, अच्छे से स्पेंड करें। कह रहा है एज इंडिया फाइट्स द वायरस द मैसेज ऑफ कॉशन इज इन सम प्लेसेस रिजल्टिंग इन पैरानोया, कह रहा है जैसे इंडिया फाइट करता है वायरस के साथ, जैसे इंडिया लड़ रहा है इस वायरस के साथ, जो मैसेज है जो पैगाम है जो संदेश है कॉशन का, सावधानी का, एहतियात का, तो कह रहा है एहतियात का जो संदेश है ना वो क्या कर रहा है, रिजल्ट हो रहा है, वो नतीजा निकाल करके आ रहा है कुछ प्लेसेस पे कुछ जगहों पे, और कैसे रिजल्ट हो रहा है, पैरानोया के अंदर। पैरानोया क्या होता है, आपको ऐसा लगता है या तो आप सबसे अच्छे हो या आपको ऐसा लगता है बाकी लोग आपको पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे ख़राब है, तो कह रहा है ये जो फाइट है ना, इस फाइट से जो मैसेज निकल जाता है क्वेश्चन का, कुछ प्लेसेस पे उस क्वेश्चन से पैरानोया निकल करके आ रहा है, लोगों को लग रहा है कि हमें तो कोविड हुआ नहीं, जिसको कोविड हुआ है वो इंसान जीने लायक नहीं है, समझ गए ना, उसको दूर करो सोसाइटी से बाहर करो, शर्म की बात है जिसको कोविड हो गया, इसको कहते हैं पैरानोया, आपके दिमाग में वहम बैठ जाए। सेंटेंस पर देखने वाली चीज़ क्या है, इस एस पे बाद में आएंगे, उससे पहले सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब,
पूरे के पूरे एडिटोरियल की सब्जेक्ट और वो मार्क है। मैंने ऑलरेडी इस एक्सरसाइज को किया आप लोगों के लिए, हर रोज़ मैं करता हूँ। इस टाइम को वर्थ वाइल बनाएं। अगर सब्जेक्ट और आपको नहीं पता ना वर्ब, मैं आपसे बोलूँ, राम कल मेले में जाएगा और खूब खाना खाएगा। राम मेले में जाएगा, कल खूब खाना जाएगा, खाना खाएगा। कोई अंग्रेज़ को मैं बोलूँ एक सेंटेंस, वो बोलेगा अच्छा खाना मेले में जाएगा या राम राम जो है खाना खाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? वो अगर इसमें भी कन्फ्यूज है ना, मेले में कौन जाएगा और खाना कौन खाएगा, तो उसको सब्जेक्ट वर्ब नहीं समझ में आ रहा, इसी वजह से वो हिंदी लैंग्वेज नहीं समझ पाता। आपको ऐसा काम नहीं करना है। इंग्लिश को अगर आपने पिकअप करना है तो सब्जेक्ट और वर्ब पहली कड़ी है आप जो उसको पकड़ोगे। बड़े आगे एज नाम की कंजंक्शन दो काम करती है, जब शुरू में आ जाए तो काम करती है इन द बिगनिंग, जैसे कि। जब मिडल आ जाए इसका मतलब है बिकॉज, शुरू में आ जाए मतलब जैसे कि, बीच में आ जाए तो बिकॉज। कैसे यूज़ करके दिखाता हूँ। दे हैव लिव्ड अ कम्फर्टेबल लाइफ एज दे, डबल लग गया दे है ना, निकाल देता हूँ, एज दे आर वेरी रिच, उन्होंने बहुत कम्फर्टेबल लाइफ देखी है, जी है, क्योंकि वो बहुत रिच है। कहाँ पे आया एज, बीच में। इस कंफर्टेबल लाइफ के लिव करने का दे रहा है कारण, इसलिए इसको मैं बोलूँगा बिकॉज। तो यहाँ पे क्या आ गया, बीच में मतलब बिकॉज। अगर इसे एज को मैं शुरू में लगाऊँ, इसी सेंटेंस को आगे बढ़ाता हूँ, एज दे लॉस देयर वेल्थ द लिटल डिस्कम्फर्ट्स ऑफ एवरी डे लाइफ डॉग देम, जैसे ही उन्होंने लूज करना शुरू किया अपनी वेल्थ को, छोटे छोटे डिस्कम्फर्ट जो है ना लाइफ के, एवरीडे लाइफ के, उन्होंने उसको परेशान करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने अपनी वेल्थ को खोया, जैसे ही ये काम हुआ, वैसे ही ये काम होने लगा। समझ गए ना? एज शुरू में आ जाए तो मतलब जैसे ही या जैसे कि, एज बीच में आ जाए तो मतलब बिकॉज। कंजंक्शन है, दो काम करती है, इसको नोट डाउन करें। अब इस वर्ड को मैंने जानबूझ करके यूज़ किया यहाँ पे, डॉग्ड। अब सर मेरे से कोई पूछेगा, ये सर ये डॉग तो कुत्ता होता है, ये क्या डॉग बना दिया आपने? सवाल पूछने से पहले डिक्शनरी खोलो, यही मेरी आपसे गुजारिश है। डॉग एक वर्ब भी है, उसका मतलब होता है किसी को परेशान करना। जैसे कुत्ता आपके पीछे पड़ जाता है, वैसे अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही हो तो दैट थिंग इज़ डॉगिंग यू। आप डिक्शनरी खोलोगे ना, आपके आधे ज़्यादा सवालों के जवाब हैं डिक्शनरी के अंदर, पर आप खोलना नहीं चाहते, कम्फर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। इस तरह के बचकाने सवाल खुद से ना करें, मुझसे ना करें, अपने आप डिक्शनरी खोल करके आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं। आगे बढ़ें। अब एक छोटी सी चीज़ है जो लोग ये जानना चाहते हैं, सर एडिटोरियल के अलावा क्या करना है हमें? तीन काम करना है, आप कहीं लिख लो। हर रोज़ का एडिटोरियल जो आप पढ़ते हो, जैसे देखा सर की वीडियो आई, पहले उस एडिटोरियल को खुद पढ़ने की कोशिश की। कैसे खुद पढ़ोगे? वीडियो में जाओ, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पड़ा है, उस लिंक में से ये एडिटोरियल का PDF डाउनलोड हो जाएगा, मोबाइल में खोलो, खुद पढ़ो। एक काम ये भी कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप है अपना, जाकर के ज्वाइन कर लो, ऑफिशियल YT नो चैट्स नाम से ग्रुप है। जाओगे ना, सर्च करोगे, ये 3500 मेंबर्स हैं, इसमें दो ग्रुप्स हैं, दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर लो, दोनों के अंदर मैं सारा मटेरियल डालता हूँ। जाकर के वहाँ से आप उठाओगे, फिर खुद पढ़ोगे इस एडिटोरियल को, फिर इस वीडियो को चला करके देखोगे जो सेंटेंसेस आपको समझ में नहीं आए और जो ग्रामर रूल्स हमने डिस्कस किए। पहला काम ये। दूसरा काम, ये काम करने के बाद जो वर्ड्स मैंने आपको बताए, उन वर्ड्स को आप नोट डाउन करोगे एक वोकैबुलरी की जो है ना, एक नोटबुक के अंदर। जैसे स्टिग्मा बताया, ये कास्ट बताया, अच्छा कास्ट पे ये पांच तरह से पांच सेंटेंसेस के अंदर यूज़ हो सकता है कास्ट नाम की वर्ब, तो पांचों सेंटेंसेस को आपको लिखना है, चाहे PC में लिखो, नोटबुक में लिखो, पर नोट्स बनाओ वोकैबुलरी के। अच्छा इसके बाद सर क्या करना है? ये तो आप कर रहे हो अपनी पॉलिशिंग, आपकी नींव अगर अभी भी ख़राब है, अगर आपको बेसिक ग्रामर्स अभी भी नहीं आती हैं, तो जाओ अपने जो है चैनल के ऊपर एक ग्रामर की प्लेलिस्ट पढ़िए, टोटल इंग्लिश ग्रामर बाय YET, 15 घंटे की ग्रामर इसमें अपलोड कर चुका हूँ बेसिक से। महल तो आपने बना लिया, कोशिश कर रहे हो बनाने की, नींव आपकी अभी भी तैयार नहीं है, ये काम है आपकी नींव भरने का। समझ गए ना? बेसिक से लेकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट तक सब कुछ इसके अंदर रखा है बेसिक लेवल से। अच्छा और क्या करना है सर? और ये करो मेरे भाई, जैसे आज है तारीख 28, आप 27 तारीख का एडिटोरियल की वीडियो उठाओ, उसकी जो प्लेलिस्ट, उसको जो है पहले खुद पढ़ने की कोशिश करो, फिर उसको जो है वीडियो से देखो। आप दिन में एक की बजाय दो एडिटोरियल करो, दो की बजाय तीन एडिटोरियल करो, 15-20 दिन, एक महीना, जो ये करेगा अपने आप बड़ा बदलाव अपने अंदर पाएगा। इसको करने के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, 2.5-3 घंटे रोज़ देने पड़ेंगे। अगर आपके इंग्लिश के कारण फंसे हो ना आपको, तो आपको 2.5-3 घंटे रोज़ दे करके इससे ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, इस जो है ना ऑब्स्टेकल से बाहर निकलना पड़ेगा। समझ गए? ये तरीका है, फॉलो करें, जो लोग फंस रहे हैं अभी भी, परेशान हैं इंग्लिश के कारण। एक छोटी समरी मैं आपको दे देता हूँ। समरी ये है, अभी एक UP का एक इंसिडेंट है, जहाँ पे एक क्वारंटीन फैसिलिटी के अंदर खाना ना मिलने के कारण जो पेशेंट्स थे अंदर, सबके सब ने क्या किया, बाहर आकर के लोहे के गेट्स के ऊपर वो जोर जोर से शोर मचाने लगे। आस पड़ोस के नेबरहुड के लोगों ने उनको खाने के पैकेट्स फेंके, साथ में बॉटल्स फेंकी पानी की। इस चीज़ की किसी ने वीडियो बना ली, वीडियो बना करके अथॉरिटीज़ के पास गए, तो अथॉरिटीज़ का जो रिस्पांस था, बहुत ही ख़राब रिस्पांस था अथॉरिटीज़ का यूपी की। एडिटोरियल क्या बता रहा है?
पहली चीज़, यूपी का अभी तक रिस्पांस इस पूरी महामारी के लिए बहुत ख़राब आया है, वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम भी बहुत ख़राब है, ये बताएगा सब सब जो ना डिटेल्स में बताएगा। दूसरी चीज़ कह रहे हैं यूपी का सिस्टम इतना ख़राब होने के बावजूद पीएम साहब बोल रहे हैं कि आगरा मॉडल को फॉलो किया जाए। बोला आगरा की ये तस्वीर थी, आगरा का ये इंसिडेंट था जहाँ पे खाना नहीं मिल रहा है क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में अच्छी तरह से। तीसरी चीज़ बोला इस तरह से बिहेव करते हो ना आप, इसीलिए लोग जो है आपको टेस्टिंग नहीं करने दे रहे, आपको घर पर नहीं घुसने दे रहे, और कोविड के पेशेंट को ऐसे मानते हैं जैसे इसको तो हाथ नहीं लगाना, अनटचेबल है। कह रहे स्टिग्मा कैसे निकलेगी। बोला पीएम ने बहुत अच्छा काम किया लोगों को ये कह करके कि हमें कोविड से डरना नहीं है, इससे लड़ना है और एकजुट होकर के लड़ना है। बोला इसी चीज़ को पीएम को बार बार दोहराना पड़ेगा ताकि लोगों के दिमाग से डर निकले और अथॉरिटीज़ को जो है उनकी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी, पेशेंट्स को ह्यूमन वे के अंदर ट्रीट किया जाए। ये समरी है इसकी, कोशिश करें आप 6 to 8 सेंटेंसेस में लिखने की, कमेंट सेक्शन में डालें, लिखेंगे तो बेहतर बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। द एपलिंग इमेजेस ऑफ अ पर्सन फ्लिंगिंग वाटर बॉटल्स एंड बिस्किट पैकेट्स टुवर्ड्स पीपल एट अ क्वारंटाइन फैसिलिटी इन आगरा यूपी। कह रहे डराने वाली इमेजेस, एबलिंग का मतलब क्या है, ऐसी चीज़ जो हॉरिफिक हो, जो डराने वाला हो, भूतिया हो। कह रहे डराने वाली जो इमेज ना, एक किसकी, आदमी की, और कौन सा आदमी जो फ्लिंग कर रहा था, उछाल रहा था, अच्छा किसको, पानी की बोतलों को और बिस्किट के पैकेट्स को, अच्छा किसकी तरफ, की तरफ टुवर्ड्स उन लोगों की, और कहाँ पे, जो थे इस क्वारंटाइन फैसिलिटी के अंदर आगरा के यूपी में, समझ गए ना। और कैसा कैसे करा है ये, कौन सी इमेजेस, करे दैट इमर्ज्ड ऑन संडे, जो इमेजेस निकल करके आई संडे को उभर करके आई। कह रहा ये इमेजेस जो है ना, ये शो द मैनी थिंग्स वर्क, कह रहा ये इमेजेस दिखाती है कि बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग हैं, ख़राब हैं इन इंडियाज फाइट, भारत की जंग में अगेंस्ट कोविड 19 पैंडेमिक, इस पैंडेमिक के महामारी के सामने, समझ गए सेंटेंस को। ये इमेज का सब्जेक्ट है शो, ये दैट लगा इस इमेज के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन, इसका सब्जेक्ट है इमर्ज्ड। इतना तो आप मेरे साथ जान ही गए ना, हर रोज अपने देखते हैं तो। दूसरी चीज़, सेंटेंस को जैसे मैंने पीस बाय पीस किया, आपको भी यही अप्रोच से पढ़ना है, यही वो अप्रोच है जिससे आप किसी सेंटेंस को समझ सकते हो, पीस बाय पीस उसके मीनिंग को निकालो। अब ये फ्लिंगिंग क्या होता है, उछालना, थ्रो करना, हॉल करना। जो लोग रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, उन्होंने ये सेंटेंस बहुत बार सुना होगा, द मैन फ्लंग या हर्ल्ड अ शू एट द सीएम, आदमी ने जूता उछाल दिया सीएम के ऊपर। ये आप न्यूज़पेपर में बहुत बार पढ़ चुके हो, कभी सीएम के लिए केजरीवाल के लिए आता है, कभी जो है सद्दाम हुसैन के लिए आया करता था। अगर आप ये चीज़ नहीं पढ़े हो अभी तक, मतलब आपकी रीडिंग कमज़ोर है, आप ऐसे इंसान हो जिसने ज़्यादा कुछ कभी ज़िंदगी में पढ़ा नहीं है, समझ गए ना। बहुत कॉमन सेंटेंस है, वहाँ से अगर आपने पढ़ा हो तो रिलेट करने की कोशिश करें, ये रोज़ इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। अपैल करने का मतलब होता है डराना किसी को, हॉरिफिक, ड्रेडफुल, फ्राइटनिंग, घोस्टली, सब के सब घोस्ट से रिलेटेड इसके सिनोनिम है अपैलिंग के, इसीलिए घोस्ट का एक सिनोनिम इसी रूट से बनता है अपैल से, जिसका नाम है अपैरिशन, अपैरिशन, ठीक है ना। देखो मेरे को अपैरिशन से ही अपैलिंग मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ अपने दिमाग में है ना, मेरे को खाली अपैरिशन जिस दिन मैंने याद किया था ना, मुझे अपैलिंग, हॉरिफिक, ड्रेडफुल, फ्राइटनिंग और कॉस्टली सबके सब सिनोनिम इसके याद हो गए थे। इसी तरह से आपको अप्रोच को बढ़ाना है अपने। बढ़े आगे, करे दोज हु वर सपोज टू बी केप्ट इन आइसोलेशन वर सीन स्क्वैशिंग अगेंस्ट द आयरन ग्रिल डेस्परेट टू फेच द फूड एंड वाटर ऑन द अदर साइड। करे वो लोग दोज, अच्छा कौन से लोग, जो कि सपोज टू थे, जिनसे ऐसी आशा की जाती थी, जिनसे ऐसी रिक्वायरमेंट थी, अच्छा क्या करने की, रखे जाने की आइसोलेशन में, जिनसे आशा थी कि उनको आइसोलेशन में रखा जाएगा, सपोज टू बी केप्ट। कह रहा उन लोगों को ना वर सीन देखा गया, और कैसे देखा गया, स्क्वैश अगेंस्ट करते हुए, फिट करने की कोशिश करते हुए। स्क्वैश करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से चिपक करके इतना चिपक जाना जैसे उसके अंदर से आप पार हो जाओगे, है ना। वो कोशिश कर रहे थे स्क्वैश अगेंस्ट होते हुए आयरन के ग्रिल से, और क्यों, कह रहे डेस्परेट थे बहुत ही ज़्यादा ना, वो आतुर थे फेच करने के लिए, पाने के लिए फूड को, खाने को और वाटर को दूसरी साइड से, ऑन द अदर साइड। आयरन गेट से स्क्वैश करने का मतलब क्या होता है, आयरन गेट्स में से हाथ निकाल करके बाहर दूसरी तरफ से कुछ सामान लेने की कोशिश कर रहे थे, स्क्वैशिंग अगेंस्ट द आयरन गेट। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या है, देखो यहाँ पे दोज है ना, इसका सब्जेक्ट है जिसको मैंने मार्क नहीं किया था, लो मैं कर देता हूँ अभी आपको। दोज की वर्ब है वर सीन, हु की वर्ब है वर सपोज टू। सपोज टू मैंने आपको बहुत बार बताया, इसका मतलब होता है रिक्वायर्ड टू या एक्सपेक्टेड टू। व्हाट यू आर डूइंग हियर, यू वर सपोज टू बी इन द क्लास। टीचर ने पकड़ लिया बच्चे को बाहर घूमते हुए, लोइटर करते हुए, कह रहे तू यहाँ क्या कर रहा है, तुझे तो क्लास में होना चाहिए था,
अब देखो ये जो बोला है ना सेंटूरियन, तो क्लास में होना चाहिए था, उसको इंग्लिश में बोलते हैं यू आर सपोज टू बी इन द क्लास। गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर सपोज टू वर्क विद ऑनेस्टी, सरकारी कर्मचारियों से ऐसी रिक्वायरमेंट है कि वो ऑनेस्टी से वर्क करेंगे। सब ऐसा मानते हैं और सब ऐसा इनको भी पता है, रिक्वायर्ड भी है और सबको एक्सपेक्टेड भी है कि ये जो है ना ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे। समझ गए सेंटेंस को, सपोज टू वर्ब क्या होती है, सपोज टू क्या मतलब स्ट्रक्चर होती है। अब एक दूसरी चीज़, सी के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, वर सीन स्क्वैशिंग। कल पढ़ाया था ना मेरे भाई, क्या पढ़ाया था, जब जब सी के बाद में जेरेंड आ जाए उस काम को आपने पूरा नहीं देखा, उसको आपने अधूरा देखा, तो वर सीन स्क्वैशिंग, उनको स्क्वैश करते हुए देखा गया। समझ गए ना, कब स्क्वैशिंग शुरू की कब स्क्वैशिंग खत्म की ये हमें नहीं पता। ये चारों वर्ब्स इसी तरह से बिहेव करती है। कल मैंने गलती से यहाँ टू इन्फिनिटिव लिख दिया था मेरे भाई, माफ़ कर देना, टाइपिंग मिस्टेक थी, जेरेंड होता है यहाँ पे टू, या तो बेयर इन्फिनिटिव या साथ में देती है जेरेंड, चारों के चारों वर्ब्स। बड़े आगे कह रहा, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज सिंस क्लेम्ड दैट दीज इशू हैज़ बिन रिजॉल्व्ड। कह रहा डिस्ट्रिक्ट के प्रशासन ने तब से ऐसा क्लेम कर दिया है और क्या, कि ये जो इशू है ना रिजोल्व किया जा चुका है, पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कह रहा बट नॉट बिफोर ऑफिशियल्स बिट्रेड देयर इंश्योरेंस, नहीं उससे पहले जब ऑफिशियल बिट्रे कर चुके थे अपने इंसोएशंस को। अब ये क्या होती है इंसोएशंस, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, ऐसे वर्ड को आएगा भी नहीं है कभी, बहुत मुश्किल है आप देखोगे इसको। ये वर्ड का मतलब होता है इनडिफेंस, आपकी केयरलेसनेस, आपकी इनसेंसिटिविटी, आपको फ़र्क नहीं पड़ने की क्वालिटी। इससे जो अच्छा वर्ड निकलता है ना, जो आपसे पूछा आया था जनरली, वो वर्ड है नॉन चैलेंज। नॉन चैलेंज क्या होता है, आपके पास में डकैती हो रही है ना, डाकू जो है बंदूक की जो है नोक पे लोगों से पैसे निकलवा रहे हैं, और आप क्या बैठ करके अपने चिप्स का पैकेट में से चिप्स निकाल के खा रहे हो, है ना, यूट्यूब पर वीडियोज पड़ी हैं ऐसी, वो होती है नॉन चैलेंज। दिमाग मेरा कूल है, दुनिया जाए भाड़ में, समझ गए ना, नॉन चैलेंज इसको बोलते हैं, किसी से कोई फर्क ना पड़े। तो यूपी के ऑफिशियल्स ने भी बिट्रे कर दिया, गलती से दिखा बैठे अपने इंश्योरेंस को, अपनी बातों से दिखा दिया उन्होंने, हमें कोई फर्क नहीं करता। पर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने ये क्लेम किया कि इश्यू को रिजॉल्व किया जा चुका है। कह रहा द हैपलेस फेंस्ड ऑफ पीपल वर इवन ब्लेम्ड फॉर गेटिंग रेस्टलेस आफ्टर देयर फूड वॉज डिलेड बाय सेवरल आवर्स। कह रहा जो हैपलेस थे, अभागे थे, इस वर्ड को मैं आपको बता चुका हूँ, जिसके पास हैप ना हो, जिसके पास लक ना हो। कह रहा ये अभागे जो लड़के थे, जो कि फेंस्ड ऑफ थे, जो कि तारबंदी के अंदर फंसे हुए थे, फेंसिंग करके जिनको पकड़ के रखा हुआ था। कह रहा ये जो पीपल थे ना, यहाँ तक इनको ब्लेम किया गया रेस्टलेस होने के लिए, कन्वल्सिंग होने के लिए, एजिटेटेड होने के लिए। कब? कह रहा आफ्टर, बाद में, देयर फूड वॉज डिलेड, जब उनका फूड डिले हुआ सेवरल आवर्स के बाद, छः कई घंटों के बाद। प्रशासन ने क्या बोला, अरे ये तो नाटक कर रहे हैं, फूड इनका डिले हो गया कुछ घंटे, इस वजह से रेस्टलेस हो रहे हैं। तो रेस्टलेस तो होंगे ना ये, 6 घंटे 8 घंटे किसी का फूड आप डिले करोगे, वो भी पेशेंट का, तो ये हो गए रेस्टलेस। बड़े आगे हैपलेस फेंस्ड ऑफ वर्ड, आपको मैंने बहुत बार बताया हुआ हैपलेस वर्ड, तो नोट करें हम, देखें आपने नोट्स में से। कह रहा इन्फेक्टेड पीपल एंड हेल्थ वर्कर टेकिंग केयर ऑफ देम आर फेसिंग डीह्यूमनाइजिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। कह रहा वो पीपल, कौन से पीपल, जो है इन्फेक्टेड, अच्छा वो लोग जो हैं हेल्थ वर्कर्स। कह रहा पेशेंट और मरीज जो दोनों हैं ना, कौन लोग हैं ये हेल्थ वर्कर्स, जो कि टेक केयर कर रहे हैं उनकी, इन पेशेंट्स की, इन्फेक्टेड पीपल की। कह रहा ये दोनों के टाइप के जो लोग हैं ना, वो फेस कर रहे हैं किसको, ऐसी ट्रीटमेंट को जो है डीह्यूमनाइजिंग, बिल्कुल अमानवीय है, जो इंसानों के साथ नहीं हो सकती। और कहाँ से, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सोसाइटी, आप में से और हमसे ये ट्रीटमेंट इनको मिल रही है, रेस्ट ऑफ सोसाइटी से इनको मिल रही है। कह रहा एंड दे आर ऑफन हाउस्ड इन अ रिवॉल्टिंग एनवायरमेंट इन मैनी प्लेसेस, और अक्सर उनको हाउस किया जाता है, रखा जाता है एक ऐसे एनवायरमेंट में जो बड़ा रिवॉल्टिंग है, जिसके अंदर आपको जो है जो घृणा आ जाए, आपको नफरत हो जाए ऐसा एनवायरमेंट, और कैसे, बहुत प्लेसेस पे, मैनी प्लेसेस। समझ गए सेंटेंस को, ये हो रहा है इनके साथ में, आप और हम जो है इनको डीह्यूमनाइजिंग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स को और इन्फेक्टेड पीपल को। सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ क्या है, ये आर भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, जिसको मैंने मार्क नहीं किया था, आर फेसिंग। दूसरी चीज़, रिवॉल्टिंग एनवायरमेंट कैसा है, देखिए रिवॉल्ट आप जानते हैं क्रांति को बोलते हैं, जो है बगावत को बोलते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें आप बगावत कर दो, जिस जो इतना रिपल्सिव आपको, इतना ख़राब लगे, इतना अबोरेंट लगे, इतनी आपको उससे हेट हो जाए, या इतना लॉसम लगे आपको, इतनी उससे जो है घृणा लगे, इस वजह से वो इन्वायरमेंट हो जाएगा रिवॉल्टिंग एन्वायरमेंट। ऐसे इन्वायरमेंट में इनको रखा गया। बड़े आगे कह रहे यूपी हैज़ बीन पर्टिकुलरली स्लो इन डिवाइजिंग अ सेंसिटिव एंड एफिशिएंट स्ट्रेटजी। कह रहे खासकर यूपी है ना,
वो रहा है खास करके कमज़ोर या स्लो या धीमा। डिवाइस करने में, युक्ति लगाने में, खोज निकालने में एक सेंसिटिव और एफिशिएंट स्ट्रेटजी को, एक ऐसी स्ट्रेटजी संवेदनशील भी हो और एफिशिएंट भी हो जिसमें एफिशिएंसी भी हो, समझ गए ना। यूपी जो है खास करके इस काम में रहा है डिवाइस करने में स्लो। अब ये डिवाइस करना क्या होता है, किसी चीज़ की खोज करना, किसी चीज़ को फॉर्म करना। जैसे डिवाइस नाम का आपने सुना हो ना, उपकरण बोलते हैं, डिवाइस बोलते हैं, कोई इन्वेंशन होती है, उसी डिवाइस से ही अपने वर्ब निकालिए डिवाइस, किसी नई चीज़ को खोज करके बनाना, डिवाइस करना। कह रहा ऑफ द 75 डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट 53 हैव फ्यूअर देन 100 आइसोलेशन बेड्स। कह रहे जो 75 डिस्ट्रिक्ट है ना यूपी के, उनमें से 53 के पास कम बेड हैं 100 से आइसोलेशन बेड्स, है ना, 53 के पास। कह रहा एंड 31 हैव एक्टिव केसेस, और इन 75 में से 31 के पास एक्टिव केसेस हैं, चालू केसेस हैं। कह रहा इन टर्म्स ऑफ आईसीयू बेड्स एंड वेंटिलेटर अवेलेबिलिटी यूपी इज अमंग द वर्स्ट स्टेट्स के रूप में, इन टर्म्स ऑफ के रूप में, अच्छा किसके रूप में, कह रहे किसकी टर्म में, आईसीयू बेड के रूप में और वेंटिलेटर अवेलेबल के रूप में, समझ गए ना। कह रहे अगर इन दोनों की बात करें ना, तो यूपी जो है ना, इन टर्म्स ऑफ इन बोथ बोथ दीज थिंग्स, यूपी जो है वर्स्ट स्टेट्स में से एक है। अमंग द वर्स्ट स्टेट मतलब सबसे खराब जो स्टेट्स हैं उनमें से यूपी है एक। कह रहे आगरा हैड 372 केसेस एंड 10 डेथ्स बाय संडे इवनिंग। कह रहे आगरा के पास थे इतने केस और इतनी डेथ संडे इवनिंग तक। ये बाय प्रपोजिशन क्या काम कर रही है यहाँ पे, आपने बहुत बार सुना होगा द मॉम टोल्ड मी या मॉम आस्क्ड मी टू कम होम या रिटर्न होम बैक बाय 9 o'clock। मम्मी ने मुझे बोला रात को 9 बजे तक आ जाना। बाय का मतलब क्या होता है, किसी वक्त से पहले पहले जब कोई काम हो जाता है ना तब अपने कहते हैं बाय। बाय संडे का मतलब क्या है, संडे तक जो है इन्होंने इतने केस रिपोर्ट कर दिए थे, अब मंडे ट्यूसडे वेंसडे के आप आगे जोड़ लेना अपने हिसाब से। बाय प्रपोजिशन के ऐसे मैंने आपको सारे केस सारे जो है ना उसके मैंने आपको बताए हैं यूसेस, 10 से 12 यूज होते हैं बाय प्रपोजिशन के। इन डेप्थ आपको जाना ही पड़ेगा, इसके अंदर कूदना ही पड़ेगा, कभी देखना टाइम मिले तो, यहाँ मैं डाल दे रहा हूँ वीडियो को, 10 मिनट के अंदर बाय प्रपोजिशन के सारे रूल्स आप सीख सकते हैं। करा मीनवाइल इसी बीच द स्टेट बॉट फॉल्टी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दैट वुड हैव एग्रावेटेड द रिस्क फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स। करा इसी बीच जो है ना, ये जो स्टेट है, कौन सी स्टेट, द स्टेट किसके लिए लगाइए, द यूपी के लिए, क्यों, यूपी बहुत बड़ा है ना, सबसे बड़ा यूपी, राजस्थान से भी बड़ा हुआ करता था, इसलिए द लगाए। नहीं मेरे भाई, जब जब किसी स्टेट नाम के कैसे भी कॉमन नाउन के आगे आप द लगाते हैं ना, उसका मतलब ये होता है जिसकी बात मैं कर चुका हूँ, जिसकी बात हम इतनी देर से गाना गा रहे हैं जिसके बारे में, उसके लिए हम जो द लगा के बताते हैं। तो स्टेट लिखता ना मैं तो आप भूल जाते कौन सी स्टेट है, यूपी के राजस्थान है। तो कह रहे इसी बीच ये जो खास स्टेट है ना द स्टेट, कह रहे इसने बॉट इसने खरीदे फॉल्टी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ऐसी खराब इक्विपमेंट की किट्स को। अच्छा कैसी चीज़ें, कह रहे दैट वुड हैव एग्रावेटेड द रिस्क फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, ये वो इक्विपमेंट हैं जिन्होंने एग्रावेट किया होता और ख़राब बनाया होता रिस्क को हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, समझ गए ना। एग्रावेट करने का मतलब क्या होता है, चीज़ों को मेक वर्स करना और बद से बदतर बनाना, एग्जैसरबेट करना, कल परसों देखा था वर्ड आपने मेरे साथ, एग्जैसरबेट, एग्रावेट उसका है क्लोज सिनोनिम। ये वुड है प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बहुत बार कर चुके हैं, अपने नोट्स निकालो या पिछले 30 दिन की वीडियोस देख डालो जो नए लोग हैं, ये वुड हैव शुड हैव वुड हैव ये 15-20 बार कर चुके हैं हम पिछले जो है ना 1-1.5 महीने के अंदर। कह रहा इट इज एन आयरनी दैट द सेंटर आस्ट अदर स्टेट्स टू फॉलो द आगरा मॉडल इन पेंडेमिक फाइट। कह रहा हंसी की बात है, सरकास्टिक बात है, आयरनी की बात है, पैराडॉक्सिकल बात है, सब सिनोनिम्स के, कि सेंटर जो है ना उसने अदर स्टेट्स को बोला कि फॉलो करे आगरा के मॉडल को पैंडेमिक फाइट में, पैंडेमिक की जो है ना लड़ाई में, समझ गए ना। तो कह रहा बड़ी हंसी की बात है, ये तो आ रही है वीडियो, ऊपर से सेंटर कह रहा है आगरा मॉडल को आप फॉलो करें हर स्टेट के अंदर, समझ गए सेंटेंस को। आयरनी के सारे सिनोनिम्स आपने शायद नोट कर लिए होंगे, पैराडॉक्स, सरकैज़म, आयरनी, सबका मतलब एक ही है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट प्रोसेस कर रहा हूँ क्योंकि एडिटोरियल ईजी है, आपको भी कोशिश यही करनी चाहिए। कह रहा है ट्रूथ बी टोल्ड यूपी स्टेबिलिटी इज नॉट रीसेंट और यूनिक। सच बोला जाए तो, ट्रूथ बी टोल्ड का मतलब क्या है, अगर सच बोलूँ तो ऐसा है, आप बोलते हो ना कई बार सच बोलूँ तो ये बात है, तो कह रहा सच बोलूँ तो जो यूपी की स्टेबिलिटी है ना, जो कमजोरी है, ना तो वो रीसेंट है ना वो यूनिक है, ना तो वो आज ही आई है और ना वो ऐसी है जो किसी और स्टेट में नहीं है, तो यूनिक भी नहीं है यूपी की डेबिलिटी। अभी डेबिलिटी सर आपने तो बता दी है कमजोरी, मैं कैसे याद रखूँ, सर इसमें एबिलिटी के आगे डी लगा हुआ है, एबिलिटी होती है ताकत, डेबिलिटी मतलब कमजोरी, समझ गए ना, डेबिलिटी मतलब वीकनेस, आपकी फीवलनेस, फ्रेलिटी, सबको सब बोलेंगे हम डेबिलिटी। कह रहे द डेंसली पॉपुलेटेड हार्टलैंड ऑफ इंडिया हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ बैड गवर्नेंस। कह रहे जो डेंसली पॉपुलेटेड है
बहुत बुरे तरीके से पॉपुलेटेड है, और क्या है, जो हार्ट लैंड है इंडिया की, जो इंडिया का है हार्ट, है ना, जो इंडिया के हार्ट में बसी हुई जगह है। कह रहे ये जो है ना इंडिया का हार्ट लैंड, इसकी एक हिस्ट्री है, इतिहास है, बड़ी बैड गवर्नेंस का, बड़े ख़राब प्रशासन का, हुकूमत का। यूपी की बात कर रहा है। समझने वाली चीज़ ये कि आया वर्ड हार्ट लैंड, बहुत बार ये वर्ड आप देखते हो, हार्ट लैंड होता है बिल्कुल हार्ट पर बसी हुई कोई चीज़, है ना, या तो बहुत इंपॉर्टेंट हो या बिल्कुल जियोग्राफिकली बीचों बीचों, इस हिसाब से हम बोलेंगे यूपी। वैसे भी बहुत पॉपुलेट मतलब इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स के हिसाब से, और वैसे भी जियोग्राफिकली इंडिया के बिल्कुल बीच के अंदर है। कह रहा द शेयर्ड करेक्टर ऑफ वीक स्टेट कैपेसिटी अक्रॉस बिहार, एमपी, राजस्थान एंड यूपी हैज़ बीन लेफ्ट अनअटेंडेड बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट्स। कह रहा जो शेयर्ड करेक्टर है ना इसका, ऐसा करेक्टर जो इसने सबके साथ शेयर किया है, और कैसा करेक्टर, कह रहा वीक स्टेट का, कमज़ोर स्टेट होने का, वीक स्टेट की कैपेसिटी का। अच्छा, शेयर किसके साथ किया है, अक्रॉस किया है बिहार, एमपी, राजस्थान और यूपी, इन चारों स्टेट्स के साथ। कह रहा जो करेक्टर है ना वो हैज़ बीन लेफ्ट, उसको रखा गया है, उसको छोड़ दिया गया है, और कैसे छोड़ा गया, अनअटेंडेड, किसी ने अटेंड नहीं किया उसको, ऐसा छोड़ा गया उसको, और किसके द्वारा, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के द्वारा, एक के बाद एक आने वाली सरकारों के द्वारा, समझ गए ना। कह रहे ये जो इसका बीमारू का, आपने सुना होगा कि बीमारू का कॉन्सेप्ट, बिहार, एमपी, राजस्थान, यूपी और जो है इन सारों पांचों स्टेट्स को हम बोलते हैं बीमारू स्टेट्स। कह रहे ये जो बीमारू स्टेट्स हैं, जो शेयर करेक्टर बीमारू का ये इन सब स्टेट्स के साथ जो है शेयर करता है, इस करेक्टर को किसी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट ने अटेंड नहीं किया, इसके ऊपर कोई काम करने की कोशिश नहीं की। पिछले वाले सेंटेंस की वर्ब मैंने मार्क नहीं की थी, यहाँ पे हैज़ जिसकी वर्ब है मार्क कर देता हूँ। बड़े आगे कह रहे सक्सेसिव वर्ब जानते हैं ना, एक के बाद एक, वो सहवाग चौका मारता ना, पहली बॉल पे, दूसरी बॉल पे, तीसरी बॉल पे, सक्सेसिव फोर्स होते हैं, सक्सेसिव बाउंड्रीज होती हैं। वो कह रहे द ओनली रीजनेबल गोल ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड लॉकडाउन कुड हैव बीन बाइंग टाइम फॉर शोरिंग अप द लिमिटेड रिसोर्सेज। कह रहे महज एक ही रीजनेबल गोल है, एक ही सही उसका मकसद है, और किसका, लंबे खींचे वो लॉकडाउन का, प्रोलॉन्ग्ड लॉकडाउन का। और कह रहा है ये क्या हो सकता था, कुड हैव बीन क्या हो सकता था, बाय करना टाइम को, वक्त को बाय करना, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा बाय करना टाइम को क्या होता है। कह रहा है एक ही गोल है ना इसका, हो सकता था इस लंबे खींचे हुए जो है लॉकडाउन का। अच्छा, टाइम क्यों बाय करना है, शोर अप करने के लिए, उबारने के लिए, डूबते हुए स्ट्रेंडन करने के लिए, हेल्प करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज को, जो थोड़े बहुत संसाधन हमारे पास है उनको। कह रहे विच इज़ ए फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप, जो कि काम है हमारी सियासी लीडरशिप का, पॉलिटिकल लीडरशिप का। सेंटेंस समझने की चीज़ है। कह रहे ये जो रीजनेबल गोल है ना इस प्रोलॉन्ग लॉकडाउन का, वो सिर्फ यही है, थोड़ा वक्त हमें मिले। बाय टाइम करने का मतलब क्या है, आप वक्त को खरीद रहे हो, मतलब आप है ना थोड़ा सा वक्त जो है बाय करके कर रहे हो, आप उस वक्त के अंदर कुछ और कर पाओ, समझ गए ना। तो लॉकडाउन लगा के सरकार सिर्फ बाय कर रही है टाइम को, ताकि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को शोर अप कर पाए, हॉस्पिटल नहीं खुले हैं तो हॉस्पिटल खोल दे, नर्स नर्स डॉक्टर्स नहीं है तो वहाँ पे उनका ट्रांसफर कर दे, है ना, ताकि कोरोना जब देश में आएगा उनसे कैसे लड़ा जाए। कह रहा है यही लॉकडाउन का मकसद होता है, और कह रहा है ये जो काम है ना ये फंक्शन है पॉलिटिकल लीडरशिप का, हमारी वहाँ की सियासी हुकूमत का, समझ गए सेंटेंस को। देखने वाली चीज़ शोर अप, बहुत बार बताया, शोर मतलब किनारा, अप मतलब ऊपर, डूबती हुई चीज़ को खींच करके बाहर लाओगे ना उसको कहते हैं शोर अप करना, एक तरह से उस चीज़ को आपने स्ट्रेंथन किया है, मजबूत बनाया है, उसको बचाया है, उसको सपोर्ट किया है ना, यही करना है इनको लिमिटेड रिसोर्सेज को। प्रोलॉन्ग्ड मैंने आपको बताया लंबा खींचा हुआ, इसके वो सिनोनिम्स जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं, प्रोट्रैक्टेड, लिंगरिंग, इलोंगेटेड। इलोंगेटेड में लॉन्ग आ रहा है, अपने आप समझ जाओगे, प्रोट्रैक्टेड इसको लंबा, जिसको प्रोट्रैक्ट, ट्रैक्ट मतलब होता है खींच करके, घसीट करके आगे ले जाना, है ना, प्रोट्रैक्ट वही होता है। लिंगर मतलब लंबे समय से मंडराता हुआ आपके सर पे लिंगरिंग करता हुआ। बढ़े आगे करे द डेटा प्रेजेंटेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी लास्ट वीक रिवील अ वेरी डिसमस लेवल ऑफ प्रिपेडनेस बाय यूपी। करे जो डेटा है ना जो प्रेजेंटेड बाय है, जिसको ला करके दिया गया है कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा, और कब, पिछले वीक, वो डेटा रिवील करते हैं, क्योंकि प्लूरल है इसलिए रिवील करते हैं, अगर डेटम होता सिंगुलर होता तो रिवील्स आता। तो कह रहा वो डेटा खुलासा करते हैं, रिवील करते हैं, अनअर्थ करते हैं एक बहुत ही डल सी परफॉर्मेंस को, लेवल को, और किसका, प्रिपेयरनेस का, तैयारी का, किसके द्वारा, यूपी, बिहार और एमपी के द्वारा। कह रहा जबकि वाइल राजस्थान हैज मैनेज थिंग बेटर्स बाय क्रिएटिंग टेम्प्रोरी फैसिलिटीज, राजस्थान ने मैनेज किया है थिंग्स को और बेहतर तरीके से,
क्रिएट करके टेम्प्रेरी फैसिलिटीज़ को, अच्छा और क्या करके, रैंपिंग अप एग्जिस्टिंग वंस, रैंप अप करके और अच्छे बेहतर लेवल का बना करके एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ को, समझ के सेंटेंस को कह रहा है इन तीनों की बुरी है जो परफॉर्मेंस खराब रही है इस डेटा के हिसाब से और राजस्थान की रही है बढ़िया। यहाँ पर मैं एक छोटी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़े भाई के जैसे आपको समझ में आए। गवर्नमेंट क्या कर रही है अभी, सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है बीजेपी की कि जितना हो सके नॉन बीजेपी स्टेट्स को कास्टिगेट किया जाए, मलाइन किया जाए, उनको जो है ना ऊपर वर्ड मैंने आपको बताया था ना स्टिग्मेटाइज़ किया जाए। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है राजस्थान को कुछ बोलें, केरला को कुछ बोलें, वेस्ट बंगाल को कुछ बोलें, और न्यूज़पेपर जो लिबरल कहलाते हैं जैसे द हिंदू वाले, ये लिबरल तो है नहीं एक्चुअल में, ये कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके सरकार की जो बीजेपी सरकार वाली जो स्टेट्स है ना उनकी गलतियां हम गिनाएं। तो कोशिश क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच की टसल चल रही है, ये इनकी गलतियां गिनाते हैं, वो इनकी गलतियां गिनाते हैं। आपको इस जो है ना टसल को समझना है अगर आप इन्फॉर्म सिटीजन बनना चाहते हैं, आपका दिल किसी भी पार्टी की तरफ हो पर इस तरफ आपको अनबायस्ड होकर के एक इन्फॉर्म सिटीजन की तरह ना इन चीज़ों को समझना है। तो कभी भी ना भावुक ना हो जाएं कि इसमें तो ऐसा लिखा हुआ है, आप इनके पीछे की टसल को देखें। सरकार सुबह से शाम तक यही सोचती है कैसे ममता बनर्जी को घेरें, कैसे अशोक गहलोत को घेरें, कैसे पिनरई वो अपना जो है केरला वाला उसको घेरें, और ये न्यूज़पेपर दिन रात ये सोचते हैं कैसे यूपी में योगी और बिहार और जो है एमपी के अंदर अपने शिवराज सिंह चौहान को घेरें, समझ गए ना। इस तरीके से इनके बीच की टसल हमेशा चलती रहती है। कह मोस्ट स्टेट्स आर हाउएवर ट्रीटिंग द लॉकडाउन एज अ सोल्यूशन टू द पेंडेमिक, ज़्यादातर स्टेट्स जो है ना हालांकि ट्रीट कर रही हैं लॉकडाउन को एक सोल्यूशन की तरह इस पेंडेमिक के, ऐसे ट्रीट कर रही हैं जैसे लॉकडाउन से ही पेंडेमिक का सोल्यूशन निकल करके आएगा। द सेंटर नीड्स टू डिमॉन्स्ट्रेट लीडरशिप इन एंश्योरिंग दैट स्टेट स्केल अप देयर कैपेसिटीज एंड कम्युनिकेट दिस टू द पब्लिक। सेंटर को जरूरत है डिमॉन्स्ट्रेट करने की, ये चीज़ दिखाने की, और क्या चीज़ है, लीडरशिप को दिखाने की, नेतागिरी को दिखाने की, और किस चीज़ में इंश्योर करने में, पक्का करने में, अच्छा किस चीज़ को, कि स्टेट्स स्केल अप करें, स्टेट्स एक दर्जा ऊपर लाएं, स्टेट्स बेहतर बनाएं, अपनी कैपेसिटी को और कम्युनिकेट करें इस चीज़ को पब्लिक को, सारी पब्लिक को इस चीज़ को ये बताएं। कहने का मतलब ये है लॉकडाउन से इस महामारी का इलाज नहीं होता है, लॉकडाउन के दौरान जो आप कैपेसिटी को इम्प्रूव करते हो ना उससे आप इस महामारी का पेंडेमिक से लड़ने की तैयारी कर रहे हो। कह रहा है इट नीड्स टू पर्टिकुलरली रिसर्च रीश्योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स दैट एवरीथिंग पॉसिबल इज बीइंग डन टू प्रोटेक्ट देम। कह रहा है इसको ज़रूरत है, अभी इट किसके लिए लगा, यहाँ पे पॉज करो वीडियो को, खुद पहचानो ये प्रोनाउन हमने किसके लिए यूज़ किया है, चलो पॉज करने के बाद बताना जो सुनना इस चीज़ को। इट लगाया सेंटर के लिए, पहले सेंटर की बात हुई ना, अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर इसे इट से शुरू किया, तो द सेंटर ना लिख करके इट लिख रहा है। कह रहा सेंटर को जरूरत है खास करके रीअश्योर करने की, फिर से भरोसा दिलाने की हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, डॉक्टर्स नर्सेज को, दैट वो इस चीज़ का ये हर चीज़ जो पॉसिबल है, हर वो चीज़ जो मुमकिन है वो की जा रही है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको महफूज रखने के लिए। इज़ बीइंग डन इज़ पैसिव, वही बताता हूँ आपको, अगर आपकी नींव खराब है तो मेरे पैसिव बोलने से आपको पैसिव नहीं आ जाएगा, एक्टिव पैसिव तो आपको सीखना पड़ेगा, वीडियो देख लेना। क्या देयर नीड्स टू बी अ कैंपेन लेड बाय द पीएम टू इरेज द स्टिग्मा अगेंस्ट पेशेंट, वहाँ होना चाहिए एक अभियान, एक कैंपेन या एक ड्राइव, और कौन सा कैंपेन, जो लेड बाय हो, जिसकी अगुवाई कर रहे हो हमारे पीएम साहब, और क्यों, इरेज करने के लिए, हटाने के लिए इस स्टिग्मा को, इस बिना बात की शर्म को, और किसके खिलाफ, अगेंस्ट पेशेंट्स, पेशेंट्स के खिलाफ। कह रहा और क्या करने के लिए, टू मिटिगेट द फियर्स ऑफ पेंडेमिक इटसेल्फ, मिटिगेट करने के लिए, धीमा करने के लिए, मंदा करने के लिए डर को इस पेंडेमिक के खुद के। तो कह रहे इन दोनों कामों के लिए एक कैंपेन जो है वहाँ होना चाहिए। यहाँ पे कैंपेन है सब्जेक्ट, नीड टू बी इसकी वर्ब है, देयर कभी सब्जेक्ट बनता नहीं है, ये एक होती है एडवर्ब, हमेशा देयर वाले सेंटेंसेस के अंदर सेंटेंस इन्वर्जन हुआ होता है, मैंने आपको बताया, बढ़िया आगे। ये लेड बाय क्या है, अचानक से आई V3, कौन सा कैंपेन भाई, अरे भाई जिसको लेड बाय है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जिसकी अगुवाई प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, अचानक से आई V3 एडजेक्टिव का काम करती है, किसी नाउन के बारे में कुछ बताती है। देयर आर द डिफरेंस बिटवीन कॉशन एंड पैरानोइया नीड्स टू बी एम्फसाइज्ड, जो फर्क है ना सावधानी और पैरानोइया वहम के बीच का, उसको एम्फसाइज करने की जरूरत है ना। सावधान होना अच्छी बात है, मास्क लगाना अच्छी बात है, पर किसी कोविड के पेशेंट को देख करके वहाँ से भाग लेना या उसको बुरा समझना, उसको जो है ना सोसाइटी से बाहर समझना, ऐसा काम है गलत, पैरानोइया ना करें। करा इन इंडियाज पर्टिकुलर सोशल कॉन्टेक्स्ट द नोशन ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग हैज ओनली एडेड टू द डिजीज स्टिग्मा। करे इंडिया के खास सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, सिचुएशन के अंदर, सामाजिक हालात के अंदर जो नोशन है, जो आइडिया है, जो थॉट है, जो विचार है, किसका, सोशल डिस्टेंसिंग का, उसने महज और महज सिर्फ ऐड टू किया है, बढ़ाया ही है,
इस डिजीज़ की स्टिग्मा को, इस डिजीज़ से निकलने वाली शर्म को, समझ गए ना। वैसे ही लोग जो है इतने वहमी हैं अपने देश में, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर और वहमी हो गए हैं, स्टिग्मा डिजीज़ की फैलती जा रही है अपने देश के अंदर। नोशन मैंने आपको बता दिया, आइडिया, विचार, थॉट, आइडियोलॉजी। कह रहे द प्राइम मिनिस्टर हैज़ कॉल्ड फॉर सोशल सॉलिडारिटी इन द फेस ऑफ द पैंडमिक मोर देन वंस लास्ट वीक। कह रहे जो PM साहब हैं उन्होंने आह्वान किया, कॉल फॉर किया, लोगों से रिक्वेस्ट की, मांगा उनसे, क्या मांगा, सोशल सॉलिडारिटी, सामाजिक एकजुटता। सॉलिडारिटी क्या होती है, यूनिटी आपकी, है ना, और कैसे, इन द फेस ऑफ, फेस करते हुए, सामना करते हुए इस पेंडेमिक को, देखते हुए इस महामारी को, और कैसे मांगा, मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार, लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। कह रहे एंड दैट मैसेज नीड्स टू बी स्प्रेड, वो मैसेज है ना उसको स्प्रेड किया जाने की ज़रूरत है, उस मैसेज को आगे से आगे फैलाए जाने की ज़रूरत है। आई थिंक समझ गए होंगे आप पूरे एडिटोरियल को, बहुत ईजी एडिटोरियल था आज का। कोशिश करें सारे के सारे ग्रामर रूल्स जो हमने डिस्कस किए हैं उनको नोट डाउन करने की। अच्छा लगा हो तो ज़रूर से समरी को डालें कमेंट सेक्शन के अंदर। आज एक स्पेशल वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, बनाऊँगा रात में शाम में, जिसमें मैं बैंक का पेपर है ना, अच्छा सा हार्ड लेवल का पेपर प्री का, उसको सोल्व करके दिखाऊंगा आपको एक घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर, है ना, अप्रोच के साथ। मेंबर ओनली वीडियो है अपलोड कर रहा हूँ मैं चैनल के ऊपर, आज जाकर के ज़रूर से उस वीडियो को चेकआउट करें रात के अंदर। इजाज़त दें मुझे अगली वीडियो तक के लिए, साइनिंग।